हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह, आई एम द फैकल्टी ऑफ लॉ इन द कंपटीशन कम्युनिटी। और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की वीडियो लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर। यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे, अभी तक हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था, समझा था उसकी इंपॉर्टेंस, उसके स्कोप्स को, उसके नेचर को और उसकी हिस्ट्री को। और अब हम पढ़ना शुरू करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर में जो टॉपिक्स आते हैं उनको। आप अपने सिलेबस से इसको मैच कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ था जो हम मिस कर रहे हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर लेके आ जाएंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर में कौन से टॉपिक को, नेचुरल जस्टिस के टॉपिक को। नेचुरल जस्टिस अपने आप में बड़ा ही समझा हुआ टर्म है, मतलब इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज को डेवलप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने थोड़ा थोड़ा करके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, अगर आप हमारे लॉ के इसेंस को, लॉ के बेस को, लॉ के सोल को जानते हैं, तो आप नेचुरल जस्टिस के लॉ को अच्छे से समझ जाएंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपको एक आउटर ब्रीफिंग देनी हो इस टॉपिक की, तो मैं आपको ये दूंगा कि इसमें दो इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स हैं, अगर वो आपके क्लियर हैं तो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आपका स्क्रैच से लेकर टॉप तक क्लियर हो जाएगा। तो अब हम क्या पढ़ने शुरू करने वाले हैं, नेचुरल जस्टिस को। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नेचुरल जस्टिस जो कि दिया हुआ है कहां पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है नेचुरल जस्टिस, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इंप्लाइज फेयरनेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी। फेयरनेस मतलब कि क्या, सबको सही तरीके से, सही प्रोसीजर से क्या किया गया, जस्टिस प्रोवाइड किया गया। इक्विटी और इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी मतलब दोनों को इक्वल तराजू पे तोला गया, और इक्विटी मतलब दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई। नेचुरल जस्टिस की आउटर डेफिनेशन इसी बारे में बात करती है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं या आपको एक बेसिक मीनिंग देने की कोशिश करूं नेचुरल जस्टिस की, तो आप टर्म्स को ब्रेक करिए। एक बार जरा टर्म को वेस्ट करते हैं। नेचुरल मतलब क्या है, नेचुरल मतलब कि नेचुरली बाय द नेचर, यानी कि आइडियली। इसको हम यहां पर क्या मान लेंगे, आइडियली। और जस्टिस का मतलब क्या है, जस्टिस का मतलब तो भाई जस्टिस ही है, यानी कि न्याय, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, न्याय। तो यानी कि जब आइडियली जो न्याय मिलना चाहिए वो हमें मिल गया, तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिवेल हो जाएगा। लेकिन आइडियली अगर हम इसको माने, यानी कि एक आउटर व्यू से देखें कि नहीं यार न्याय तो नहीं मिला, जजमेंट हो चुका है, यानी कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है, लेकिन वो जजमेंट को देख के समझ में आ रहा है बाहर से कि नहीं ये जजमेंट सही नहीं हुआ है, इसमें दोनों पार्टी को सही मौका नहीं मिला, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ है। क्यों, क्योंकि कुछ बेसिक प्रोसीजर्स थे जो कोर्ट मिस कर गया, या जस्टिस डिलीवरी या रूल मेकिंग में वो चीजें मिस हो गई। ये हम आगे देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। इससे पहले एक और बात बता देना चाहता हूं, नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है ना, वो केवल कोर्ट या लॉ में इंप्लाई नहीं होता है, हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, जो भी रूल है, कोई भी ऐसी जगह जो हमें पब्लिक इन लार्ज को इन्वॉल्व करती है और जहां पे एक से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो वहां पे नेचुरल जस्टिस का जो प्रोस्पेक्ट है वो इन्वॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं, हम इंट्रोडक्शन देखते हैं सर किसका, नेचुरल जस्टिस का। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है नेचुरल जस्टिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन लॉ एंड रिप्रेजेंट्स हायर प्रोसीजरल प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय द कोर्ट्स व्हिच एवरी जुडिशियल, अब इसको देखिए, एवरी जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी शेल फॉलो। हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, जो भी जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल मतलब कि पार्टली जुडिशियल, और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि जो मैंने आपको पिछले वीडियो सीरीज में बताया था लेक्चर के, कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज क्या होती हैं जो इनको फॉलो करना चाहिए। यानी कि नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो कुछ नहीं, केवल एक कॉन्सेप्ट है कॉमनली लॉ में यूज होने वाला, जो आइडियली इन सभी बॉडीज को इस्तेमाल करना चाहिए अपनी हर रूल मेकिंग, अपनी हर डिसीजन मेकिंग और अपने हर एक एक्शन पे। ठीक है सर, क्लियर है। अब देखिए यहीं से मैंने क्या किया, डाइवर्जन आपके लिए बना दिया। अगर आपको नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को एकदम क्रैक से समझ लेना है और आपको ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं, कोशिश नहीं करनी है, तो आप इन दोनों को पकड़ के चलिए और नेचुरल जस्टिस खत्म हो जाएगा। नेचुरल जस्टिस दो पार्ट पे डिवाइडेड है। दो पार्ट कौन से हैं, रूल अगेंस्ट बायस और राइट टू फेयर हियरिंग, यानी कि बायस के अगेंस्ट से हमें बचाओ, और दूसरा क्या है, फेयर हियरिंग की अपॉर्चुनिटी मिले हमें, इसका रूल। जो रूल अगेंस्ट बायस है इसका मैक्सिम क्या है, नेमो जुडेक्स इन कोसा सुआ, और राइट टू फेयर हियरिंग का जो मैक्सिम है वो क्या है, ऑडी अल्टरम पार्टम। ये दोनों ही बड़े ही सुने हुए हमारे मैक्सिम से, इसलिए इसमें भी कंफ्यूज होने जैसा हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहां से हमें सिर्फ इतना समझना है, हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम और समझते जाएंगे। चलिए प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को देखते हैं, यानी कि जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है वो असल में बात किस बारे में करता है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोस्पेक्ट में बात करो, या अगर आप सिर्फ नेचुरल जस्टिस के प्रोस्पेक्ट में बात करो, तो ये जो दो सेक्शंस, आर्टिकल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये
एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को. सर कैसे, जल्दी से समझते हैं. पहले तो इसको पढ़ लीजिए, प्रोविजन ऑफ नेचुरल जस्टिस आर ग्राउंडेड. ग्राउंडेड मतलब कि एम्बेडेड, यहां से उनकी रूट्स हैं. कहां से? आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14. ठीक है सर. आर्टिकल 14 किस बारे में बात करता है? वो इक्वालिटी की बात करता है बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस की, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हो और कानून सबको बराबर तरीके से क्या करे, प्रोटेक्ट करे. ठीक है सर. अब यहां पे ये नेचुरल जस्टिस को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? नेचुरल जस्टिस में अगर आप देखा जाए कि एक्चुअल में जस्टिस कब प्रिवेल करेगा, जब सब लोगों को क्या मिले, समान अधिकार मिले, सब लोग कानून के आगे बराबर हो और जब कानून भी सबको क्या करे, इक्वली प्रोटेक्ट करे. यानी आप कानून की नजर में अगर बराबर हैं भी तो भी आपको कानून जो है बराबरी तरीके से ट्रीट करे और बराबर तरीके से रिकॉग्नाइज करे. और आर्टिकल 21 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल कहता है नो पर्सन मतलब कि कोई भी इंसान नहीं, इसका मतलब सबको कवर कर लिया. तो मेजर एस्पेक्ट नेचुरल जस्टिस का यहीं से कवर हो गया. शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके जिंदगी जीने के अधिकार से और उसकी पर्सनल लिबर्टी से उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता. इसीलिए आर्टिकल 14 और 21 को क्या माना गया है, जो रूटेड है, जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस जो रूटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इन दो आर्टिकल्स में है. ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. अब हम बढ़ेंगे फेयर हियरिंग की तरफ. यानी कि हमने दो लीगल मैक्सिम्स पढ़े थे, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं. ये हमने पढ़ा था रूल अगेंस्ट बायस, जिसमें था नीमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ, और था राइट टू फेयर हियरिंग. अब हम इसको पढ़ेंगे सबसे पहले, जो किसके बारे में बात करता है, ऑडी अल्टरम पार्टम के बारे में. ये आ गया हमारे पास ऑडी अल्टरम पार्टम, जो कहता है किसके बारे में, फेयर हियरिंग के बारे में. इन दो मैक्सिम्स को आपको केवल समझना है और आपका जुडिशियल नेचुरल जस्टिस का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है सर. अब ये केवल रीड करते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे. जस्टिस कैन नॉट प्रिवेल इफ देयर इज नो इक्वालिटी. पहली लाइन क्या कह रही है कि भाई जाहिर सी बात है, अगर इक्वालिटी नहीं है तो जस्टिस प्रिवेल नहीं कर सकता है. जजमेंट और जस्टिस में फर्क है. जजमेंट आपको जज दे सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें जस्टिस हुआ हो. जस्टिस एक आइडियल सिचुएशन है. अगर जजमेंट हुआ और उसमें क्या है, इक्वालिटी है, तो वो जस्टिस माना जाएगा. और अगर उसमें इक्वालिटी ही नहीं दी गई तो उसमें जस्टिस नहीं माना जा सकता. इक्वालिटी इज द पिलर ऑफ लीगल सिस्टम. जाहिर सी बात है सर, जो इक्वालिटी है वो हमारे लीगल सिस्टम की, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे सभी लॉज की, जो लीगल सिस्टम जो हमने बना के रखा है अपने देश में, उसका मेन पिलर क्या है, इक्वालिटी. अगर आपको ये कह दिया जाए कि अगर तुमने इस पर्टिकुलर चीज पे पत्थर मारा तो तुम्हें फांसी की सजा होगी, लेकिन अगर उसने पत्थर मारा तो उसको केवल 600 रुपए का जुर्माना देना और उसको घर भेज दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा क्या हो गया, इनजस्टिस हो गया. क्यों? क्योंकि इसमें इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करी. और ये जो ऑडी अल्टरम पार्टम है ये इसी के बारे में बात करता है. इसके बारे में और पढ़ने की कोशिश करते हैं. डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन फ्रेज, ये तो हमें सबको पता है सर, क्योंकि जितने भी मैक्सिम है सब लैटिन फ्रेज से ही आते हैं मोस्टली. इसका ओरिजिनेटिंग मैक्सिम क्या था, ओरिजिनेटिंग लाइन क्या थी, ऑडिटर एट अल्टर पारस. क्या कह रहा है, इट मींस हियर द अदर साइड. ये कह रहा है कि दूसरी साइड को भी सुनो, और नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड. ये क्या कह रहा है, इसका मतलब सिर्फ इतना है, यानी कि ऑडी अल्टरम पार्टम का अगर आपको मतलब समझना है तो आपको ये समझना है कि हियर द अदर साइड, यानी कि दूसरी साइड को भी सुनो, दूसरी साइड को भी मौका दो सुनने का. जिस एक साइड का आप साइड जा रहे हो, फेवर ले रहे हो, उसके अलावा दूसरी साइड को भी सुनने का मौका दिया जाए. और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी कि किसी भी आदमी को गलत साबित नहीं किया जाएगा जब तक कि आपने उसको सुना ही ना हो. ये हम इंडियन लॉ में भी देखते हैं कैसे, कि अक्यूज्ड अंटिल प्रूवन गिल्टी. किसी ने ब्लेम करा दिया सिर्फ इसलिए हमने उसको क्या नहीं बोल दिया कि वो कन्विक्ट हो जाएगा, उसको हमने अक्यूज्ड बोला, और वो अक्यूज्ड ही रहेगा जब तक वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए. ये इस बात को भी कॉम्प्लीमेंट करता है. ठीक है सर. दिस प्रिंसिपल अलाउज बोथ पार्टीज टू डिफेंड देमसेल्व्स. अब कैसे, क्योंकि अगर दोनों को आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे क्या कि आप अपना अपना साइड को इक्वली प्रेजेंट करिए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो दोनों पार्टी इक्वली एक दूसरे को डिफेंड कर पाएंगे और जस्टिस क्या होगा, प्रिवेल कर जाएगा, क्योंकि दोनों को बराबर का मौका दिया सुनने का. अब हम इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले चलता था मोनार्क, और मोनार्क में क्या होता था, किंग सिस्टम होता था. किंग ने किसी एक की बात सुनी जो उसके करीबी होंगे और उसने दूसरे को सजा दे दी बिना उसकी बात सुने. हो सकता है उसके फैमिली में किसी ने आके बताया कि इसने मेरे साथ गलत किया, और उसने केवल उसकी बात सुन के उसको सजा दे दी, जो कि आइडियली बहुत ज्यादा गलत है. आज के समय में अगर प्राइम मिनिस्टर की कोई बहन या कोई भी हो, या आप मान लीजिए प्रेसिडेंट की बेटी या कोई भी, अगर ऐसा कोई शख्स जाके उनको बोल भी देता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, फिर भी उसका प्रोसेस क्या है कि उनको कोर्ट ही जाना पड़ेगा और कोर्ट ही डिसाइड करेगा दोनों पार्टीज को सुनने के बाद कि हाँ ये सही है कि गलत. तो ऑडी अल्टरम पार्टम इस बारे में बात करता है. ठीक है सर, इसका एग्जाम्पल भी हो गया प्रेसिडेंट वाला. आगे बढ़ते हैं. ऑडी अल्टरम पार्टम के कुछ एसेंशियल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. राइट टू नोटिस. राइट टू नोटिस का मतलब क्या है, भाई आप नोटिस सर्व तो करिए उसको, उसको बताइए तो कि उसकी गलती है भी कि नहीं, उसको मौका तो दीजिए कि वो सुन पाए, अपनी बात को बोल पाए.
राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस. इसका मतलब क्या है कि दोनों पार्टीज को, जो भी इन्वॉल्व है एक लॉ में या जो भी पार्टी है उस पर्टिकुलर रूल मेकिंग में या उस केस में, उन दोनों के पास क्या होना चाहिए, केस को प्रेजेंट करने का यानी कि अपनी साइड को एडवोकेट करने का और उसके साथ ही साथ अपने एविडेंसेस को प्रोड्यूस करने का राइट होना चाहिए. तीसरा क्या है, राइट टू रिबट एडवर्स एविडेंस दैट इज क्रॉस एग्जामिनेशन एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम कहां पढ़ते हैं, सीआरपीसी में पढ़ते हैं. कहां सीआरपीसी में पढ़ते हैं, जब हम समन ट्रायल समरी ट्रायल पढ़ते हैं तो हम वहां पे क्या देखते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोविजन दिया हुआ है. वो क्यों दिया हुआ है एक्यूज को, वो इसीलिए दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट नंबर 3 है कि जब वो एडवर्स एविडेंस की प्रोसिक्यूशन जब अपना एविडेंस लेके आता है सीआरपीसी में, उसको सुन लेने के बाद ये ऑप्शन दिया जाता है एक्यूज को कि अगर वो चाहे तो वो भी क्रॉस एविडेंस लाए और जाके प्रोड्यूस करे मजिस्ट्रेट के सामने अपनी गिल्ट को कैंसिल करवाने के लिए, यानी अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए ये ऑप्शन उसको दिया जाता है. फोर्थ पॉइंट, डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस टू द पार्टी, यानी कि जो एविडेंसेज उसके अगेंस्ट आए हैं वो क्या करें, आप जाके दूसरे को भी दिखाएं कि हाँ भाई साहब ये आपके अगेंस्ट एविडेंसेज आए हैं, इसके बारे में आपको कुछ कहना है क्या. उसके बाद फिफ्थ, रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू बी शोन टू द अदर पार्टी. अब अगर कोई इंक्वायरी कराई किसी भी अथॉरिटी ने, वो किसी पर्सन के अगेंस्ट कराई, तो उसकी रिपोर्ट आप उस पर्सन को भी तो दिखाइए ताकि वो जज कर पाए कि ये फेयरली हुआ है कि नहीं, इसमें कोई गलत फाइंडिंग्स तो नहीं है. इस तरह की चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है. रीजंड डिसीजंस और स्पीकिंग ऑर्डर्स, ये क्या कह रहा है, जो भी आप डिसीजन लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी आप डिसीजन लेंगे वो ऐसा नहीं होगा कि आपने बोल दिया, आपने दोनों पार्टी को सुना, वो केस आया था किस चीज का, थेफ्ट का, और आपने सजा किसकी दी, फांसी की. फांसी की सजा थेफ्ट में तो नहीं होती. अब क्या करेंगे आप, अब आपको रीजन देना है. ये पॉइंट इसी के बारे में बात करता है कि आपने जो भी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया, जो भी जजमेंट दिया, उसमें आपको देना पड़ेगा एक वैलिड रीजन जो कि बैकिंग होगा लॉ से, यानी लॉ के थ्रू बैक्ड एक वैलिड रीजन, और उसके साथ ही साथ स्पीकिंग ऑर्डर, यानी कि आप जो भी ऑर्डर दे रहे हैं वो आप मौखिक तौर पे उसको बोल के बताइए. कहीं आपने उसको ऑर्डर में लिख दिया कि ठीक है तुम्हें इतनी तारीख को फांसी होगी, वो घर पे बैठा है, एक दिन आए उसको उठा के टांग के चले गए, तो ये नहीं हो सकता ना. इसीलिए रीजेंट ऑर्डर्स दिए जाएंगे और साथ ही साथ स्पीकिंग ऑर्डर्स दिए जाएंगे. ठीक है सर, अब हम आते हैं हमारी दूसरे लीगल मैक्सिम पे जो कि है नीमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ. ये किसके बारे में बात करता है, रूल अगेंस्ट बायस. बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है लेकिन इसको समझना उतना ही आसान. ये बात कर रहा है बायस की. बायस का मतलब क्या होता है, अगर मैं, मेरा भाई और एक थर्ड पर्सन किसी जगह पे जा रहे हैं और वहां सीटें केवल 2 हैं, तो मैं बायस किसकी तरफ हो जाऊंगा, अपने भाई की तरफ, कि हम दोनों को वो सीटें मिल जाएं. जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप के समय मैं कोशिश करूंगा कि मुझे और मेरे भाई को मिले, उस थर्ड पर्सन को ना मिले. अब इस जगह पे मैं क्या हो गया, बायस्ड हो गया. भले ही मैं कोई भी हूं, मैं जज हूं, मैं वकील हूं, मैं कोई बड़ा पॉलिटिकल पोस्ट का होल्डर हूं या कोई पब्लिक सर्वेंट हूं. ये क्या है रूल अगेंस्ट बायस का, क्या है, इट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एनी अथॉरिटी टू मेक डिसीजन. ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको एटलीस्ट बायस तो नहीं होना है किसी भी अथॉरिटी के लिए. अगर ये बेयर मिनिमम है, अगर ये वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसका अथॉरिटी बने रहना और उसका उस अथॉरिटी में कोई भी डिसीजन लेना पहले शुरुआत से, फर्स्ट इंस्टेंस से ही आर्बिट्ररी हो जाएगा. अब एक जरा ये इलेक्ट्रिक लॉ लाइब्रेरी की एक लाइन है, उसको हम पढ़ते हैं. Any mental condition that would prevent a judge from being fair and impartial is called bias. यानी कि कोई भी mental condition, हम इसको physical भी मान लेते हैं, mental, physical, emotional, psychological, ठीक है, social, financial, ऐसा कोई भी status जो कि judge के ऊपर apply है, जिसमें कि वो क्या है, fairly अपने judgment को pass नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको क्या कह देंगे, bias. और आपको bias का मतलब समझ में आ गया. केवल इतना ध्यान रखिएगा, Nemo Judex in Causa Sua बात करता है rule against the bias की, और bias का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फ्लुएंस जो किसी जज के ऊपर हो या किसी अथॉरिटी के ऊपर हो, जिसमें वो फ्रीली डिसीजन ना ले पा रहा हो, फ्रीली सोच ना पा रहा हो, तो उसको हम बायस कह देंगे. ठीक है, अब रूल अगेंस्ट बायस के अंदर 3 मैक्सिम्स हैं. ये मैक्सिम्स नहीं है, 3 सेइंग्स हैं इनको, 3 लाइन की तरह, 3 टॉपिक्स की तरह आप समझिए, 3 पॉइंट्स की तरह समझिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ये सबसे कॉमन है, नो मैन शैल बी द जज ऑफ हिज ओन कॉज. अब ये कैसे हो गया सर, नो मैन शैल बी द जज ऑफ हिज ओन कॉज, सबसे कॉमन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, नो वन शैल बी द जज ऑफ हिज ओन कॉज. ये मैंने भी अपनी लाइफ में कई बार इंप्लाई किया अपने हायर अथॉरिटीज को क्रॉस चेक करने के लिए और उनको बताने के लिए कि सर आप ये गलत कर रहे हैं. कैसे, नो वन शैल बी द जज ऑफ हिज ओन कॉज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जज ने क्या किया, वो एक कोर्ट रूम में बैठे हैं और असल में वो खुद पार्टी है किसी केस के, यानी पार्टी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए उनके घर के बाहर क्या हो रहा है, उनके घर के बाहर कचरा इकट्ठा हो रहा है. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीआईएल दायर करवाई किसी से और वो पीआईएल आ गई उन्हीं के कोर्ट में,
और वो जज का जो कचरा है जज के घर के बाहर, वो उन्हीं के घर के बाहर इकट्ठा हो रहा है, उन्होंने ही जजमेंट दे दिया और अपने ऊपर ही पेनाल्टी लगवा दी। यानी कि वो जो पेनाल्टी लगाई उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे 10 लाख रुपए की, उसके पैसे इन्हीं को मिलने थे। तो क्या हुआ, उन्होंने फायदा अपना कराया। और अच्छे से समझिए, जज साहब के बेटे वो कहीं जा रहे थे और उन्होंने कोई ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक किया, पुलिस उनको पकड़ के ले आई और जज साहब के कोर्ट में खड़ा कर दिया और बोला कि साहब ये आपका बेटा ट्रैफिक सिग्नल छोड़ के भाग रहा था, इसके ऊपर क्या करें। जज साहब क्या बोलेंगे, छोड़ दो, मतलब आइडियली शायद ना भी बोले, लेकिन वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का क्या हो गया, वायलेशन हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपने ही कॉज के जज नहीं हो सकते, उनका खुद का कॉज है वो। और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कभी ऐसा हुआ कि जज साहब कोर्ट पे बैठे हैं और उनका बेटा आके कोई केस लड़ने की कोशिश करें, यानी कि उनका बेटा अपने ही पापा के कोर्ट में आके क्या कर रहा है, केस लड़ रहा है। ये क्या हुआ, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ, क्योंकि वो उनका ब्लड रिलेशन का बेटा जो अभी उनके साथ उनके घर पे रहता है वो क्या कर रहा है, आके केस लड़ रहा है कोर्ट में, और जज साहब क्या है, अपने ओन कॉज के जज हो गए। यानी कि वो जाहिर सी बात है उनका बायस होगा अपने बेटे की तरफ और उसका बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी को अपने बेटे के फेवर में जजमेंट देंगे। ठीक है सर, जस्टिस शुडंट बी डन बट मैनिफेस्टली एंड अनडाउटेडली बी सीन टू बी डन। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जस्टिस केवल होना नहीं चाहिए, जस्टिस दिखना भी चाहिए कि हुआ। मतलब जज ये कह रहा है कि नहीं जस्टिस हुआ था, जज के फेवर के लोग बोल रहे हैं जस्टिस हुआ था, भाई जजमेंट बहुत अच्छा आया है, जजमेंट तो आ गया, सब लोग क्लेम कर रहे हैं जस्टिस हुआ था, लेकिन देखने वाले को लग तो नहीं रहा कि जस्टिस हुआ। यानी कि जजमेंट ऐसा हो, जस्टिस ऐसा हो जो दिखने और सुनने में भी लगे कि न्याय हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जजेस लाइक सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। ये किस बारे में बात कर रहा है सर, ये एक लाइन है, मैं चाहता था कि मैं आपको दे दूं कि आप इसको होमवर्क में देख के आइएगा कि क्या है ये, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं ये किस बारे में बात करता है। ये भी एक किस्म के बायस के बारे में बात करता है कि जजेस जो हैं क्या कर सकते हैं, किसी एक साइड को, मतलब कि अगर उनकी इम्पार्शियल नॉलेज है, यानी कि मान मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल से समझाने की बात करूं, जज ने पहले से अगर कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग बना रखी है, जैसे कि एक मैंने वीडियो बनाया इस चैनल पे सेम सेक्स मैरिज के ऊपर, अगर मेरी पहले से अंडरस्टैंडिंग ये होती कि मैं होमोफोबिक होता, यानी कि जो होमोसेक्सुअल्स हैं उनको लेके मेरे दिमाग में एक फोबिया होता, तो शायद मैं उस वीडियो को एक अलग डायरेक्शन में ले जाता और लोगों को क्या करता, मैनिपुलेट करता। सिमिलरली मान लीजिए कि मैं एक सुप्रीम कोर्ट का जज हूं और मेरे पास केस आया होमोसेक्सुअलिटी की मैरिज का, अब मैं खुद भी अपने आप में क्या हूं, होमोसेक्सुअल के लिए फोबिक हूं, मुझे फोबिया है होमोसेक्सुअल से, तो इस बात के लिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि मैं एक बायस डिसीजन दूंगा, मैं अपने फोबिया को सामने ले आऊंगा और उसकी वजह से डिसीजन क्या होगा, बायस हो जाएगा। यानी कि ये थर्ड पॉइंट केवल इस बारे में बात करता है कि जजेस का खुद का परसेप्शन भी अगर है डेवलप किसी चीज में, पहले की एक इमेज उनके दिमाग में बनी हुई है और अगर वो इन्फ्लुएंस कर रही है किसी चीज को, तो वो क्या हो जाएगा, एक किस्म का बायस हो जाएगा। लेकिन ये चीज में एक प्रॉब्लम ये है कि जजेस कोई सड़क से उठे आदमी नहीं होते हैं, वो बहुत ही लर्नेड लोग होते हैं और ऐसे लोगों के साथ दिक्कत ये है कि उनको हर चीज के बारे में ज्ञान होता है, तो उनका कुछ ना कुछ ओपिनियन पहले से बना होता है उस टॉपिक के ऊपर, अब उनको उसमें विदाउट बायस अपना जजमेंट देना होता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं नेमो जुडिसिंग कॉसस हुआ, यानी कि बायस का जो हम रूल पढ़ रहे हैं उसमें कितने टाइप ऑफ बायस हो सकते हैं। मेजरली 5 टाइप ऑफ बायस हैं, देखते हैं कौन सा। पर्सनल बायस, भाई पर्सनल बायस क्या हो सकता है, पापा जज है बेटा वकील है, पापा जज है बेटा अक्यूज है, पर्सनल बायस, अब वो पर्सनली उनसे रिलेशन है इसलिए उसके खिलाफ बायस हो जाएंगे वो। पेक्यूनरी बायस यानी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, यानी कि अब अगर मान लीजिए जज साहब को किसी ऐसे पर्सन के केस देखना है, जज साहब को किसी ऐसे पर्सन के केस के मैटर को देखना है जो अभी रिसेंटली पता चला कि उनको 50 लाख रुपए ऐसे ही देके चले गए थे कि सर ये हमारी तरफ से दान है आपके घर पे मंदिर बनाने के लिए, तो अब क्या हुआ, फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया। या मान लो जज साहब को एक बैंक के ऊपर जजमेंट देना है जिसके खुद के बैंक में, और उस जजमेंट में या तो ये डिसाइड करना है कि वो बैंक वैलिड है या तो उसको घोषित कर देना है कि वो गलत बैंक है और उसके सारे पैसे सीज हो जाएंगे, और जज साहब के खुद के पैसे कितने हैं उसके अंदर, 1 करोड़ रुपए जज के जमा है उस बैंक में, तो क्या हुआ, पेक्यूनरी बायस हो गया। सब्जेक्ट मैटर बायस, सब्जेक्ट मैटर बायस क्या है, जज साहब जिस कॉलोनी में रह रहे हैं उसी कॉलोनी का मैटर है, मैटर क्या है कि उस कॉलोनी के ऊपर से हाई टेंशन वायर निकलनी है, जज साहब खुद उस कॉलोनी में रह रहे हैं और उसका जजमेंट दे रहे हैं कि हाई टेंशन वायर नहीं निकलनी चाहिए, तो अब क्या हुआ, उसमें उनका सब्जेक्ट मैटर बायस हो गया, उस सब्जेक्ट मैटर में उनका इंटरेस्ट है। डिपार्टमेंटल बायस, इसमें बहुत विवाद होता है, क्यों विवाद होता है डिपार्टमेंटल बायस में, अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई मान लीजिए किसी जगह पे, पुलिस डिपार्टमेंट में इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी कौन कर रहा है, सीनियर पुलिस ऑफिसर, इंक्वायरी किसकी हो रही है, जूनियर पुलिस ऑफिसर की, लेकिन ये दोनों है सेम डिपार्टमेंट के, साथ में उठना बैठना खाना पीना सब है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसमें क्या हुआ, वो डिपार्टमेंट सेम है इसलिए वो डिपार्टमेंटल लेवल पे बायस होने की चांसेस बढ़ जाती है। प्री कंसीव्ड नोशन बायस, ये किस बारे में बात करता है, ये बात करता है प्री कंसीव्ड नोशन के बारे में, यानी कि जो दिमाग में आपके पहले से नोशन बन चुका है किसी चीज को लेके, यानी कि आपने जो मैंने आपको बताया था इससे पहले थर्ड एग्जांपल में कि आप पहले से उसके बारे में ये मान के चल रहे हैं, आपका खुद का कोई परसेप्शन है जो आपके ऊपर बहुत हावी है, तो आपके ऊपर ऐसा बहुत ज्यादा चांस है कि आप उसमें जजमेंट ठीक नहीं देंगे, यही बात करता है प्री कंसीव्ड नोशन के बारे में।
और आखिरी में आता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ बायस के बाद हम पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी और कुछ नहीं, केवल इतनी सी बात बोलता है कि जब कभी भी बहुत ज्यादा जरूरत हो तो डॉक्ट्रिन ऑफ बायस, यानी कि बायस होते हुए भी जज को अलाउ किया जाता है कि वो किसी केस में जजमेंट दे। जैसे कि मान लेते हैं कि कभी भी हाई टेंशन वायर निकलने का था और हाई टेंशन वायर का काम कल से शुरू होना है और कोई जज अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अलाउ कर दिया जाएगा उस जज को जिसका घर उस कॉलोनी में था कि ठीक है आप जजमेंट दे दीजिए, एक्सेप्शनल केस में आप जजमेंट दे दीजिए। क्योंकि अगर इसमें जजमेंट नहीं हुआ केवल बायस के बहाने ये बोल के कि बायस हो जाएगा, तो जजमेंट ना देना ज्यादा ग्रेव और क्या हो जाएगा, सीरियस ऑफेंस हो जाएगा, ज्यादा ग्रेव और सीरियस रेमेडी हो जाएगी उन लोगों के लिए कि उन लोगों का राइट वायलेट हुआ। यही कह रहा है, ये एक एक्सेप्शन है किसका, नेमो जूडेक्स इन कोसासुआ का। इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, नेमो जूडेक्स इन कोसासुआ का इकलौता एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। और वो भी क्यों है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तो डॉक्ट्रिन ऑफ बायस को ओवरलुक करके भी जजमेंट दिया जा सकता है। ये था हमारा नेचुरल जस्टिस के ऊपर हमारा वीडियो, हमारा पहला वीडियो लेक्चर, पहला टॉपिक हमने कवर किया। नेक्स्ट वाले में हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर को। तब तक कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।